दोस्तों हॉट स्टार स्पेशल कॉफी विद करण सीजन 8 का फर्स्ट एपिसोड बाहर आ गया है और 26th ऑफ अक्टूबर को ये रिलीज हुआ है। इसमें के सीन्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो इसको हम कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे आज डिस्कस करेंगे। इनके जो पहले गेस्ट थे वो थे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनने पूछे हैं, उनमें से कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो दोनों को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बॉलीवुड के मच लव्ड कपल्स हैं। ओपन अप अबाउट देयर लव स्टोरी एंड प्रपोजल ऑफ द फर्स्ट टाइम, कैसे इनने प्रपोज किया उसके बारे में भी अभी आगे देखेंगे, और इनने अपने लव स्टोरी के भी बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो दीपिका एंड रणवीर्स लव स्टोरी स्टार्टेड ऑन संजय लीला भंसाली सेट, जब ये लोग बेसिकली एक मूवी थी जो कि गोलियों की रास लीला रामलीला, इसके लिए जब ये लोग एक्टिंग वहाँ पे कर रहे थे ऑन द सेट, तो ही इनको ये रियलाइज़ हुआ था। यहाँ पे एक लाइन और ऐड करी गई है कि दे रिवील्ड दैट दे वर प्रैक्टिकली इनसेपरेबल ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। वहाँ पे उन लोगों को मतलब इनसेपरेबल फील हुआ था। रणवीर रिकाउंटेड दैट ही हैड बीन इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिफोर ही मेट दीपिका एंड She had been a single for a while. The couple met when Deepika was a cast in the film. करीना कपूर वॉज द कास्ट, तो पहले करीना कपूर को लिया जा रहा था लेकिन उनने इस मूवी को लेने से मना कर दिया, तो दीपिका को उसमें लाया गया था। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे गेम चेंज हो सकता था, अगर करीना कपूर इस मूवी में होती तो फिर आज शायद ये लोग कभी मिले ही ना होते, है ना, तो कितनी बड़ी बात भी हो सकती थी, लेकिन ठीक है। देखिए फिर फर्स्ट मीटिंग के बारे में ये लोग बता रहे हैं, जब इनको कुछ फील होना शुरू हुआ था, तो एक्चुअली संजय लीला भंसाली के घर पे ये लोग लंच करने गए थे, तो वहाँ पे रणवीर के जस्ट बगल में बैठी थी दीपिका, तो उनके मुंह में कुछ फंस गया जाके, तो जैसे उनके मुंह में एक क्रैप का कोई पीस फंस गया था, मतलब मीट का, तो फिर वहीं पे फर्स्ट टाइम था जब रणवीर सिंह ने मतलब ये बताया है कि उनको पहली बार ऐसा, जब उनने उनके दांत में से चीज़ों को निकाला तो उनको ऐसा लगा 440 का मतलब वॉट का उन्हें झटका लगा। Deepika said that when she and Ranveer started dating each other, they were still allowed to see other people. मतलब open relationship ऐसे बोलते हैं, जिसमें आप ज़्यादा committed भी नहीं होते हो, लेकिन kind of commitment होता है, लेकिन आप दूसरों को भी explore कर सकते हो, allowed to see other people, ठीक है। Would always go back to him, मतलब वो हमेशा वापस उनके पास ही चले जाती थी, because in her mind she was committed to him. In her words, until he proposed to me, there was no commitment as such. ये बात उन्होंने बताई है। उसके बाद रणवीर सिंह ने अपनी बात बताई कि हाँ, रणवीर शेयर दैट ही न्यू दीपिका वॉज दी वन इन 6 months. तो 6 महीने की जो भी इनकी जर्नी रही उनमें इनने पता लगा लिया कि मेरे लिए यही सबसे सही है। ही देन रिवील्ड दैट दे स्टार्टेड डेटिंग इन 2012 एंड गॉट एंगेज्ड इन 2015 and kept their engagement a secret from the rest of the world for 3 years. आपको पता होगा कि 2018 में इनकी शादी हुई थी, तो 3 साल तक इनने ये बात छुपा के रखी कि ये engaged हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है, ठीक है, 3 साल तक छुपा के रखना पूरी दुनिया से, है ना। रणवीर एंड दीपिका शेयर दैट दे वर इनसेपरेबल, मतलब उन एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं हो सकते, ड्यूरिंग द शूट ऑफ द भंसालीज फिल्म एज दे कुड स्पेंड ऑल देयर टाइम विथ ईच अदर, पूरा टाइम वहाँ पे क्योंकि साथ में बिता सकते हैं। ही रिकॉल्ड दैट वंस देयर वर द शूटिंग किसिंग सीन, तो होता ही हुए कि किसिंग सीन शूट कर रहे होते तभी क्या होता है, एक पत्थर बीच में से आना होता है। ये सीन काफ़ी फेमस है, यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस है, और ऐसे भी आपने रील वगैरह में भी देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि पत्थर एक आना होता है, ठीक है, तो पत्थर जब खिड़की से आना होता है तो इन लोगों को डर के मतलब एक ऐसा थोड़ा सा हैरान वाला सीन देना रहता है, लेकिन इन लोगों ने उस समय कोई रिएक्ट नहीं किया और ये लोग जो किसिंग सीन था उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ये भी इनने वहाँ पे शेयर किया है। फिर रणवीर सिंह यहाँ पे अपने प्रपोजल के बारे में बताते हैं कि इनने कैसे प्रपोज किया था। रणवीर देन रिकॉल्ड हाउ ही प्रपोज दीपिका आफ्टर ईयर्स ऑफ डेटिंग each other. He revealed that he did it in Maldives. Maldives में वहाँ पे रेत थी, तो रेत पे इनने क्या किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सिनेरियो था, परफेक्ट सिनेरियो लगा इनने। इनने फिर वहाँ पे अचानक से पूछ लिया था दीपिका से रिंग निकाल के कि विल यू मैरी मी, और दीपिका उस समय इमोशनल हो गई थी, और लेकिन बाद में उनने हाँ कर दिया था उसी समय, ठीक है। I popped the question, gave her the ring. She didn't expect it. She got emotional and it was it. She said yes and I felt like king of the world and we were engaged. जो पूरा एपिसोड है वो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है। इसके बारे में इंस्टाग्राम पे इनने अपडेट भी दिया हुआ है। एक फोटो शेयर करते हुए इनने लिखा है, दे आर एब्सोल्यूटली गॉर्जियस एंड एब्सोल्यूटली एट द टॉप ऑफ देयर गेम, दे आर द ट्रू
Bollywood royalty couple. I am also excited to kickstart this season of Coffee with Karan with my dearest Ranveer Singh and Deepika Padukone. इस पे मीम पेज और कुछ रील्स वायरल हो रही हैं। So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to Deepika, औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं लेकिन दीपिका तू रंडी है तली। तो दोस्तों कंट्रोवर्शियल इश्यूज में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर सकते हैं और हम ऐसी डेली कंट्रोवर्शियल जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी ट्रेंडिंग होते हैं, उनके ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर उसे भी देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।